आपके साथ साथ मतलब वक्त आपके साथ क्या क्या करता है ना, आपको भी समझ नहीं आता। उसी पल में उसी चीज़ के लिए कभी हाँ होता है, उसी पल में कभी उसी चीज़ के लिए ना होता है, कुछ समझ नहीं आता है। कभी वही बातें बिगड़ जाती है, कभी बन जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मल्टीवर्स में जी रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ हमारे साथ हो चुका है फिर, लेकिन दूसरा चीज़ हुआ था उसी टाइम में, अब हो रहा है दूसरा चीज़, ऐसे लगता है। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। संडे वाला व्लॉग इस हफ्ते नहीं आया था क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था, थोड़ा सा दूर था व्लॉग से क्योंकि मुझे थोड़ा आराम चाहिए था, अजीब सा लग रहा था। लेकिन पता नहीं कल से फिर से मतलब मंगलवार से, आज गुरुवार है, बुधवार से थोड़ा सा शरीर में पेन है मेरे, पूरे बदन दर्द में। कल दोपहर को सोया था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन सर दर्द स्टार्ट हुआ था। आज फिर सुबह उठा तब से पेन, कुछ दिनों से मेरे कमर में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, सोने के उठने के बाद। और आज जस्ट आया दुकान से 10:30 बजे, फिर सो गया था अभी 11 बजे तक, पेन था पूरा। अभी थोड़ा सा बदन दर्द कम हुआ है लेकिन सर में अभी भी दर्द है। आज बस और देखूंगा, अगर आज के बाद भी होता है तो मुझे इलाज करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को आज मन किया, स्टार्ट करते हैं। तो आगे बने रहिएगा और फिर देखिए आगे जो जो भी होता है। और आज शायद जाना हो सकता है दुर्ग, 2-3 काम है तो वही। उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करना भूल गया था मैं कि आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं दुर्ग आ चुका हूँ, बैंक का काम हो गया, पैन कार्ड पोस्ट के लिए हो गया, और कलेक्ट्रेट भी जाना था वो भी हो गया। फिलहाल मैं हूँ कार्यालय, रोजगार कार्यालय में। तो अभी एक बंदा है अपना ही पड़ोसी, उसका ना रोजगार पंजीयन का भर रहे थे और साइट थोड़ा डाउन हो गया, तो उसमें फिर 10-12 का ऐड नहीं हो पाया था, तो उसको यहाँ ऐड करवाएंगे और सील साइन करवाएंगे। तो ये नए वाले रोजगार कार्यालय में ना मैं शायद दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार मैं जब नया नया बना था उसी टाइम शायद मैं अपना ही रिन्यूअल करवाने आया था अपना पंजीयन का। अब तो वो एक्सपायर हुए भी 2-3 साल हो चुके हैं शायद, मुझे याद भी नहीं है। तो फिलहाल अब तो भीड़ नहीं रहती है, ऑनलाइन हो जाता है हर चीज़, तो सेल साइन ले आना पड़ता है। तो जितना है भीड़, 2-3 लोगों का लाइन है और घड़ी में 4 बज रहे हैं। फिलहाल जितना हो जाए जल्दी हो जाए। 2 पल के लिए भूल गया था कि मैं गाड़ी यहाँ रखा था, ऐसा करके ऐसा लग रहा, फिर मैं देख रहा था अरे गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी मैं बोला एक और गेट है ये सामने, उधर रखी है गाड़ी मैंने बाहर में, ये देखो इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ ना क्या बताऊँ। तो चलते हैं अब कातुल बोर्ड। तो फिलहाल हमारा पार्सल ढूंढा जा रहा है, हमेशा की तरह इस बार भी पार्सल नहीं मिल रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। तो भैया ढूंढ रहे हैं इधर उधर। फिलहाल अभी हम आ गए हैं डिंग डोंग में और बर्गर का वेट हो रहा है, बर्गर खाने का मन हो रहा था, भूख लग रहा है तो बर्गर ऑर्डर हुआ है, खाएंगे फिर चलेंगे घर। ऐसा खिलाने वाला सामने बैठा है, हम अपना पैसा नहीं डालेंगे। डिंग डोंग तो आप देख ही जानते ही हो, मेरे एक दो ब्लॉग में है और प्रॉपर एक ब्लॉग भी बनाया था डिंग डोंग को लेकर। और खिलाने वाला ये बैठा है, इसका काम हुआ आज पूरा। तो फिलहाल बर्गर इंजॉय करेंगे। फिलहाल बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी जस्ट कम हुआ, अपना बर्गर आ गया है भाई। और बारिश फिर से बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, वो खिड़की से दिखता तो मैं आपको दिखा देता, मेरे को दिख रहा है बट। और तो अभी खाते हैं बर्गर जो कि बहुत भूख लगी है, और फिर घर चलने का साधन देखेंगे बारिश रुकने पर। तो अभी आए थे समोदा, वो आयुष्मान छोड़ने, यहाँ के सरपंच का बनाया था। तो क्या है ना, पहले क्या है आता था कार्ड, अब आता नहीं है, तो उनको प्रिंट चाहिए था, जरूरत था, तो बोले कि प्रिंट कर देना। तो 4-5 लोगों का था तो मैं आते आते छोड़ दिया, अब जा रहे हैं घर। तो चलेंगे घर और फिर ब्लॉग एंड करेंगे, और कुछ नहीं रहा तो। हाँ, अभी दीदी लोग आए हैं, बच्चे लोग आए हैं, देखते हैं अगर बच्चों के साथ टाइम पास करते रहें तो ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो मौसम बन गया है बहुत हमारे गाँव साइड, और भिलाई में तो अच्छा पानी गिरा, हम लोग रुके हुए थे, अब देखते हैं गांव में कब बारिश होती है। भाई ये हीट वाले अपने हीट का जबरदस्त प्रमोशन करते हैं यार, काला हीट, वो लड़की का कॉस्ट्यूम, बाप रे,
मतलब ना कोई सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम लग रहा था, एकदम ब्लैक, एकदम मस्त चमक रहा था, स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम लग रहा था। मैं तो बोला अरे हॉलीवुड वालों को या इंडियन मूवीज वालों को तो उनसे ही सीख लेना चाहिए कैसे बना रहे हैं इस कॉस्ट्यूम ऐसे करके। तो फिलहाल हम भिलाई से आए, थोड़ा आराम किए, फिर सब्जी लेने गए और बाजार में मिल गया रोशन और गुपचुप खिला दिया। तो मेरा खाना पूरा ऐसे गला तक भर गया है, अब मैं शायद खाना भी ना खाऊं अगर पचे ना तो। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और कुछ नहीं दिखाना, तबीयत अभी तक सही नहीं लग रहा, सर दर्द तक बंद नहीं हो रहा। अब कल डॉक्टर को पक्का दिखा रहे हैं या रात को ही, अब मैं शायद ज़्यादा हो जाए तो दिखाना पड़ जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। कुछ नहीं।